एक समय की बात है, दीनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में लाखन नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसका काम लकड़ी काटना था। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काटने जाता था। लकड़ी काटकर वह उन लकड़ियों को बाजार में बेच देता था। आज तो मैं सारी लकड़ियां बेच दूंगा। उनके बदले में जो कुछ मिलता उससे वह अपना पालन पोषण करता था और हर दिन की तरह अपनी झोपड़ी में खाना खाकर सो जाता था। भोजन हो गया है, अब मैं सो जाता हूँ। सवेरे सवेरे लकड़ी काटते भी जाना है। और अगले ही दिन सवेरा होते ही लाखन उठा और अपने घर से जंगल की ओर लकड़ी काटने निकल गया। लाखन नदी के किनारे एक पेड़ पर लकड़ी काट रहा था। तभी उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। नदी में पानी इतना गहरा था कि वह कुल्हाड़ी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। यही कुल्हाड़ी उसका एकमात्र सहारा थी। वह नई कुल्हाड़ी नहीं खरीद सकता था, तो वह उदास हो गया और रोने लगा। अरे नहीं, अरे अरे, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, अब मैं क्या करूं? ए भगवान, मेरी कुल्हाड़ी! ए भगवान, ये आपने क्या किया? अब मैं क्या करूं? नहीं, मुझे तो कहीं नजर भी नहीं आ रही है मेरी कुल्हाड़ी। भगवान, अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? अब मैं क्या खाऊंगा? मेरी कुल्हाड़ी! मैं तो वैसे ही गरीब हूँ, भगवान मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूंगा? क्या हुआ लाखन, तुम रो क्यों रहे हो? आप कौन है महाराज और कहां से आए हैं? मैं जल देवता हूँ, ये नदी मेरा घर है। इसका मतलब आप मेरी मदद कर सकते हैं महाराज? मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। अगर मुझे मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मैं भूखा मर जाऊंगा जल देवता। लो लाखन, तुम्हारी कुल्हाड़ी। अरे ये क्या, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है भगवान। नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है भगवान। ठीक है, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लाता हूँ। लो लाखन, तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं नहीं जल देवता, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो सोने की है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है जल देवता, मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दो जल देवता। ठीक है, तुम प्रतीक्षा करो, मैं इस बार तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी लाता हूँ। क्यों लाखन, ये है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। मेरी कुल्हाड़ी जल देवता, आप मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दीजिए जल देवता, ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। ये लो, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ जल देवता, मैं बहुत खुश हूँ, और आप बहुत दयालु हैं, आपने मेरी कुल्हाड़ी मुझे दे दी। अब मैं भूखा नहीं मरूंगा, मैं लकड़ी काट पाऊंगा।
अरे ये क्या, जल देवता कहाँ चले गए? कहीं उन्हें मेरी बात का बुरा तो नहीं लग गया? नहीं लाखन, मैं तो तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ हूँ। ये सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ी तुम्हारी हुई। लेकिन मैं ये नहीं ले सकता जल देवता, ये कैसे हो सकता है? लाखन, तुम गरीब तो हो पर तुम सच्चे हो, ईमानदार भी हो, ये तुम्हारे इन गुणों का उपहार है। और लाखन ने अपनी ईमानदारी का उपहार जल देवता से ले लिया। लाखन लकड़हारा खुश हुआ और वह खुशी खुशी अपने घर चला गया। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति को उसकी ईमानदारी का उचित फल अवश्य मिलता है।